हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं अपना रिव्यू बताने वाली हूँ आई शैडो पैलेट पे। दिस इज फॉर 52 मैग्निफिशेंट आई शैडो पैलेट। आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड वैन आई बॉट दिस वन। तो ये वीडियो मैं आई जस्ट गोना डू द स्वॉचेस प्रोज कॉन्स, मैं पर्सनली पैलेट के बारे में क्या फील करती हूँ और इज इज रियली वर्थ इट टू get our hands on this palette. Everything will be covered in this video. Only the facts will be spoken by me. So before we get into it, I just really want like ek second mein aap subscribe button please tap karo, press it on, and I hope you did it right. You have done it right. So let's go. सो ये दिस इज हाउ इट लुक्स। ए फॉर 52 का पैकेज है आई शेडो का, ब्लैक कलर में है और ये काइंड ऑफ हैवी है, नॉन हल्का फुल्का वाला, लाइक स्टडी है, गिरेगा तो आई डोंट थिंक सो इतना जल्दी से टूटेगा, जोर से गिरेगा तो ऑब्वियसली टूट सकता है। और ये पैकेजिंग थोड़ा मैग्नेटिक है, लाइक इट्स नॉट समथिंग ऐसे ओपन करना है, आपको थोड़ा स्लाइड करना है एंड देन इट विल बी ओपनेबल। तो इसके जो शेड्स हैं पीछे लिखे हुए हैं, टोटल 10 शेड्स हैं, बट नाम नहीं है कि ये कौन सा शेड है, जैसे कि वाइट है, नाम नहीं दिया है पर्टिकुलरली। और इसका प्राइस कितना है, मतलब जैसे कि अलग अलग पैलेट कलर्स, इसमें जो कलर्स है उसके हिसाब से प्राइसिंग है। ये जो मैंने चूज़ किया विच इज़ MEP003 नंबर है और इसका प्राइसिंग समथिंग 2099 रुपीज़। Yes, it is bit expensive, but ये जैसे you will get it in discount, like 10% 15% discount रहता है। जैसे Myntra पे I got something 15-20% discount पे, कुछ 1800 के range में मैंने लिया था एक महीने पहले, और अभी भी Nykaa पे discount आपको मिलेगा ही। तो I will just open this palette. अनफॉर्चुनेटली जब मैंने ऑर्डर किया था मुझे ये ब्रोकन पीस मिला। आई रियली डोंट नो कि वेल लाइक कुरियर के टाइम पे ये गिर गया था कि क्या हो गया था, आई रियली डोंट नो कि मुझे डिफेक्टिव पीस ही मिला। ये वाला जो शेड है वो टूटा हुआ है, सो आई डोंट नो, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस पैलेट। सो मैं हाथ पे स्वॉच करूँगी और इसका फॉर्मुलेशन भी बताऊँगी। सो यह द फॉर्मुलेशन इज क्रीमी टू पाउडरी, ये जो फॉर्मूला है, बट सारे पाउडरी नहीं हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, बर्गंडी, ऑरेंज, जो नीचे का लास्ट रो है, वो जो चार शेड है दैट इज शिमरी प्लस मेटालिक एंड वेरी क्रीमी एंड बटरी, बट ब्लैक में शिमर नहीं है बट इट इज़ क्रीमी एंड उसके अकॉर्डिंगली ये पैलेट बना है। द कलर्स आर रियली वेरी ब्यूटिफुल एंड इंटेंसिटी भी बहुत ही अच्छी है। सो इसके फीचर्स जो है, फर्स्ट इट इज़ हाईली इंटेंसिटी, लॉन्ग लास्टिंग, ईजी टू ब्लेंड ऑन द आईज एंड द फोर्थ इट हैज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, लाइक मैट भी है शिमर भी है, जैसे कि ब्लैक में ज़्यादा ग्लिटरी शिमरी वाली फीलिंग नहीं है। सो आई एम जस्ट गोना सी माई एंड ऑफ दिस वर्डिक्ट, व्हाट आई फील, प्रोज एंड कॉन्स, एक घंटे तक मैं मेरी आंखों पर रखूंगी और ये जो है कितने टाइम तक रहता है वो भी आपको पता चल जाएगा और क्रीज होता है कि नहीं। अभी एक आंखों पर मैं ना क्रीम बेस्ड कंसीलर लगाऊंगी पहले आईलिड पे और फिर ये आई शेडो लगाऊंगी और दूसरे आंख पे मैं लगाऊंगी लिक्विड कंसीलर एंड देन विल यूज एन आई शेडो। सो नाउ लेट्स सी। सो गाइज, दिस इज़ वॉट आईव क्रिएटेड द हेलो इफेक्ट ऑन माई आईज बाई। सो इसका जो प्रोज मुझे जो लगता है कि इट इज़ हाईली पिगमेंटेड, ईजिली ब्लेंडेबल एंड द थर्ड इज कलर्स आर सुपर ब्यूटिफुल, लाइक मुझे कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। और अभी मुझे ये प्रोज लगता है। और कॉन्स में लाइक वॉट आई फील, आई डोंट लाइक द पैकेजिंग, ये जो मैग्नेटिक है बहुत डिफिकल्ट लगता है खोलने के लिए, लाइक ईजिली वो जो ओपनेबल वाला नहीं है। और सेकेंड है ट्रांसफर प्रूफ, लाइक रहता है ज़्यादा बट इफ़ इन केस आपने हाथ टच कर लिया, यहाँ पे लगा दिया तो फिर वो टच भी हो सकता है। थर्ड है ब्लू कलर, इसका जो है वो स्टेन छोड़ता है, जैसे कि मैंने स्वॉच किया था थोड़ा स्टेन भी है, अदर देन दैट दूसरे कलर्स इतने स्टेन नहीं है, लाइक वॉशेबल है, आप वॉश करोगे तो आपके हाथ से और आई पे कोई स्टेन नहीं रहेगा। एंड फोर्थ व्हाट आई फील अबाउट दिस इज क्रीजिंग, क्रीजिंग वाइज जैसे कि
ये जो डार्क शेड्स है वो इतना क्रीज नहीं करता है, बट ऑरेंज जो शेड है वो थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा क्रीज करता है। जैसे मैंने ये वाला शेड यूज़ किया था ऑरेंज वाला, ये जो जो लाइटर शेड है वो लाइक लिटरली क्रीज लाइन में स्टक होता है एंड इट इज़ विजिबल। आई डोंट पर्सनली फील कि ये क्रीज फ्री है, ये क्रीजेस थोड़ा होता है। एंड अभी भी मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे आइस क्लोज कर रही हूँ तो यहाँ पे देखो जैसे थोड़ी थोड़ी क्रीजिंग होने लग गई है, बट आईज ओपन में इट इज ऑल राइट, बट आईज व्हेन यू क्लोज थोड़ा दिखता है। ओके और अभी मैंने डिफरेंट शेड बताना है कि क्रीम बेस मैंने कंसीलर यूज किया था उसके ऊपर ये आई शेडो लगाया और ये लिक्विड बेस पे, तो क्रीम बेस मुझे जितना लगता है कि वो इतना ज्यादा लाइक इंटेंसिफाई करता है, बट प्रॉब्लम है क्रीजिंग ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली लिक्विड में। लिक्विड में इतनी क्रीजिंग नहीं होती है और इसमें ज़्यादा आई शेडो से क्रीज होता है, तो आई वुड डेफिनेटली गो विद द लिक्विड वन। सो गाइज ये था आज का प्रोज एंड कॉन्स अबाउट दिस पैलेट, एंड कॉस्टली है थोड़ा ये 2099 रुपीज़ है इफ़ यू डोंट गेट इट इन डिस्काउंट। सो आई फील कि ये रेंज में आपको और बेटर पैलेट मिल सकती है, जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट। अभी तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया है बट आई डोंट थिंक सो कि फिर से मैं इस चीज़ में ये पैलेट में इन्वेस्ट करूँगी, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ 50-50, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट दिस फॉरएवर 52 आई शैडो पैलेट। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर, कमेंट और मुझे बताइए कि आप ये पैलेट यूज़ करो आपको कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, बेल आइकन को भी हिट करना सो दैट आप हमेशा मेरे वीडियोज से अपडेटेड रहोगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, आई लव यू सो मच, बाय बाय।